नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन सीरीज के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगा कि किसी भी बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन से पहले मरीजों को भूखा रहने की सलाह क्यों दी जाती है। दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा या अपने आसपास पड़ोस में या अपने फैमिली में जब भी किसी की सर्जरी होती है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको रात भर भूखा रहने के लिए कहते हैं या फिर कुछ भी खाने को मना करते हैं। दोस्तों, किसी भी सर्जरी से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसे बेहोश करना या उसे एनेस्थीसिया देना। दोस्तों, सर्जरी से भी बड़ी जो क्रिटिकल स्टेप्स होता है वो होता है बेहोशी का स्टेप्स होता है। किसी भी बड़ी सर्जरी ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है जिससे सर्जरी आसानी से की जा सकी और पेशेंट को कोई भी दर्द ना हो। दोस्तों, एनेस्थीसिया या बेहोशी के दौरान आपके बेहोशी के डॉक्टर जो पेशेंट होते हैं उनको बेहोशी की बहुत सारी दवाइयां देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन्स लगाते हैं। इन सारी प्रक्रिया में जो पेशेंट होता है या मरीज होता है उसके शरीर की बहुत सारी जो क्रियाएं होती है, जो अपने आप होने वाली क्रियाएं होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, श्वसन का चलना या फिर तंत्रिका तंत्र के जो कार्य हैं, आपके नर्वस टिश्यू के जो नर्वस सिस्टम के कार्य हैं वो धीमी पड़ जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे सर्जरी आसानी हो और किसी प्रकार के भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एनेस्थीसिया या बेहोशी के दौरान जब शरीर की सारी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो ऐसे में आपके शरीर के विभिन्न भागों पे आपके जो ब्रेन या ब्रेन का कंट्रोल है वो कम हो जाता है। ऐसी में यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार के आपके आंत में या आपके इंसिटन में कोई भी खाना ना हो। दोस्तों, यदि आपने ऑपरेशन से पहले कोई खाना खा लिया हो या फिर किसी प्रकार का लिक्विड ले लिया हो या कोई भी सॉलिड पदार्थ ले लिया हो तो ये संभावना होती है कि ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की प्रक्रिया में वो खाना आपके पेट से आपके आहार नली के ऊपर आ सकता है। जब ये आपके आहार नली में आ जाती है तो आपके सांस की अवरुद्ध होने की भी संभावना बढ़ जाती है और कई मामलों में मरीजों की मौत भी हो जाती है। दूसरी जो वजह होती है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम उस खाना को पचाने के लिए हमारे आंत में या फिर इंटेस्टाइन में बहुत सारे एसिड पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये जब एसिड पदार्थ रिलीज होते हैं तो आपके खाने को पचाने में सहायक होते हैं। यदि आपने खाना ऑपरेशन से पहले कोई खाना खा लिया हो तो जो एसिड जमा हो जाता है आपके पेट में, ये एसिड आपके मुंह तक रिफ्लक्स होके या फिर रिगर्जिटेट होके ऊपर तक आ सकता है। और जब एसिड जब ऊपर तक आ जाता है तो ये एसिड आपके आहार नली से आपके श्वास नली में पहुंच जाता है। जब ये एसिड आपके श्वास नली में पहुंच जाता है तो श्वास नली से ही आपके सीधे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में पहुंचने के बाद ही आपके फेफड़ों को जला भी सकता है या वहाँ का बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज करता है। इसलिए दोस्तों, आपको सर्जरी से पहले आपके डॉक्टर या आपके जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं वो आपको 8 से 10 घंटे तक खाली पेट रहने की हिदायत देते हैं। दोस्तों, सर्जरी से पहले आपको बिल्कुल भी कोई भी ठोस, कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड चीज़ लेने से मना किया जाता है। इवन आपको आधी गिलास पानी के लिए भी मना किया जाता है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नॉलेज वीडियो आपके हिसाब से लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।